अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियाज़ी स्टिचिंग एंड पेंटिंग। तो कैसे हैं आप लोग? एंड फाइनली वेट ओवर, ये हमारा न्यू डिज़ाइन आ चुका है जिसके कुछ स्टेप्स आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको इसके सारे स्टेप्स अवेलेबल मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने बेडशीट में इस तरह से ट्रेस कर लेना है। पहले हमने डिज़ाइन ये वाला ड्रॉ कर लिया था और अब हम इसके नीचे कार्बन डालकर इसको सारे बेडशीट में ट्रेस कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है और कुछ इस तरह का हमारा डिज़ाइन है। ये राउंड शेप डिज़ाइन है। लीफ बनाने का बहुत ही इजी मेथड है, बस फील कर देना है। आप देख सकते हैं जैसा कि मैं कर रही हूँ, और डार्क ग्रीन कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके हमने ये वाला कलर बनाया है, और बस इसमें आपने ऐसे फील कर देना है। तो आते हैं फ्लावर पे। तो फ्लावर को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है पिंक कलर और वाइट कलर, और बस ये वन स्ट्रोक वाले मेथड से हमने सारे फ्लावर्स और बर्ड्स को रेडी कर लेना है। ये बर्ड्स और फ्लावर्स के सेंटर में जो है हमने कलर फील किया हुआ है पिंक कलर, तो ये हमने पहले ही कर लेना है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके ऊपर हमें इस तरह से स्ट्रोक देना है। ये फ्लावर्स और बर्ड्स मैंने 8 नंबर फ्लैट ब्रश से बनाया है। अब जो हमारा ये डार्क ग्रीन कलर था उससे हम इस तरह से अपने बर्ड्स और फ्लावर्स में फिनिशिंग दे देंगे। मिडरिप बनाने के लिए मैंने कलर यूज़ किया है वाइट में, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन मिक्स किया है, बस वाइट को ही ग्रीनिश बना दिया है और उसको अप्लाई किया है। अब हमने लिटिल फ्लावर को पर्पल कलर से बनाया है। ये पर्पल कलर भी मैंने ख़ुद बनाया है और इसमें मैंने मॉव और डार्क ब्रिलियंट पर्पल कलर यूज़ किया है। ये 4 नंबर फिल्बर्ट ब्रश से बहुत ही इजीली और बहुत ही परफेक्ट बनता है। अब इसके सेंटर में हमने गोल्डन येलो कलर डाल दिया है।
तो अब ये हमारा बेडशीट रेडी है। और आपको कैसा लगा मेरा ये बेडशीट, मेरा ये डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।